हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि चैट जीपीटी से कीवर्ड सर्च कैसे करें, क्योंकि इस स्टूडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किसी वेबसाइट पर कीवर्ड सर्च चैट जीपीटी से इजीली कर सकते हैं, और तो उसका वॉल्यूम सर्चेज भी वहाँ से चेक कर सकते हो, कितना कॉम्पिटिशन है वो भी आप चैट जीपीटी के थ्रू चेक कर सकते हो, और किस कंट्री में आपको कीवर्ड रैंक करने हैं, किस कंट्री के आपको कीवर्ड चाहिए, तो वो सब चीज़ आप चैट जीपीटी से गेट कर सकते हो विदाउट यूज एनी टूल्स लाइक CMRS, AHRE app, Uber Suggest, आप सिर्फ चैट जीपीटी से ही ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आगे तक देखना, इस वीडियो का एक पॉइंट मिस मत करना। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको ले चलता हूँ पीसी स्क्रीन के ऊपर। सबसे तो गाइस हम आगे अपने पीसी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी वर्क करने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट आप गूगल से कर सकते हो, गूगल जीमेल से, या फिर मैनुअली भर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको आज स्टूडेंट बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी से कीवर्ड सर्च किस तरीके से करें। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई नई वेबसाइट है, मेरे को उसके कीवर्ड आइडियाज वगैरह कुछ नहीं पता, और ना मेरे को पता है किस तरह के कीवर्ड मेरे को फाइंड करने हैं, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ इस चीज में, एज ए बिगिनर हूँ, मेरा कुछ नहीं पता, तो हम किस तरीके से कीवर्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें अलग अलग कमांड बताऊंगा, आपको अलग अलग कमांड लगानी है। ये कमांड लगाने के बाद आप इजीली यहाँ से कीवर्ड सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कीवर्ड सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वेबसाइट है जो हमारी डेमो वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं आपको इसकी वेबसाइट का आपको कीवर्ड सर्च करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को समझ लेना है कि ये वेबसाइट लॉ से रिलेटेड है, आप इसको देख रहे हो पर आपको ये नहीं पता कि मैं इसमें कीवर्ड कौन से यूज करूँ। ठीक है, मतलब मेरे को तो पता है, आप समझना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि डेमो वेबसाइट है कि आप बिल्कुल नए हो, आपकी नई वेबसाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक कमांड का यूज करना है, वो वन स्टेप बाय स्टेप हर कमांड को आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने कमांड का यूज करना है इसका, ये कमांड मैंने लिखी हुई है वर्ड काउंटर में, मैं आपको इसको पढ़ के बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब मैं इसे पोस्ट करूंगा। चैट जीपीटी में आना है, यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। इस कमांड का नाम है, इस कमांड में मैंने लिखा हुआ है कैन यू टेल मी रिलेवेंट हाई क्वालिटी कीवर्ड टू दिस वेबसाइट, क्या आप मेरे को इस वेबसाइट के हाई क्वालिटी कीवर्ड बता सकते हैं कि कौन से हाई क्वालिटी कीवर्ड रहेंगे इस वेबसाइट के लिए, मतलब एज ए सजेशन हमने किया है इसको। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करना है। ये देखो, इसने जो भी मैंने कमांड भरी थी, कमांड भरने के बाद इसने कीवर्ड दिखा दिए हैं बेस्ड ऑन द यूआरएल, इसने लिख दिया है भाई ये आपके कीवर्ड हो सकते हैं हाई क्वालिटी। ठीक है, इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द यूआरएल, आपकी वेबसाइट के यूआरएल के अकॉर्डिंग मैंने सजेशन किया है कुछ कीवर्ड को जो आपकी वेबसाइट के थीम से रिलेवेंट है बिल्कुल। ठीक है, और हाई क्वालिटी यू मस्ट कंसीडर अज्यूमिंग लीगल सर्विस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब ये इसने कीवर्ड बता रखे हैं, ये इसने यहाँ पे मैं क्या हुआ, यहाँ से हमने कीवर्ड आइडियाज हमें मिल गया यहाँ पे कि जिस तरह के ये कीवर्ड जो हमारे लिए ये हाई क्वालिटी कीवर्ड हमारी वेबसाइट के लिए, अगर हम इन पे भी बैक लिंकिंग करेंगे तब भी हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ठीक है, पर हर कीवर्ड सर्च करने से पहले कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो टर्म एंड कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई जैसे कोई नया बिगिनर है वो एकदम अगर हाई उसके किस कीवर्ड पे वर्क कर रहा है, उस कीवर्ड के वॉल्यूम सर्च सब बहुत ज्यादा है पर कीवर्ड डिफिकल्टी भी उसकी 100% ही है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम सर्च कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में आपको नहीं पता, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप इजीली वहां से देख सकते हो, उस वीडियो को देखने के बाद समझ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैं इस कीवर्ड के एग्जांपल ले लेता हूँ, लीगल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जैसे मैंने इस कीवर्ड पे या ब्लॉग पोस्ट लिखना है, बैक लिंकिंग शुरू कर दी, अब हम ये कीवर्ड एआई ने सजेस्ट कर दिया है कि इस तरीके से आप ये कीवर्ड आपके इन पे वर्क करो, आपकी ये अच्छी क्वालिटी कीवर्ड है, ये सब हाई क्वालिटी कीवर्ड आप जो किसी टूल से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यह है कि इसकी वॉल्यूम पर इसने ये नहीं बताया कि इसका वॉल्यूम सर्चिस तो इसने हाई बता दिया कि हाई वॉल्यूम सर्चिस है, पर इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी तो ज़्यादा हो सकती है ना, इसको रैंक करना उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इस कीवर्ड पे वर्क करेंगे कि आप तो कीवर्ड डिफिकल्टी 100% ही हो, तो हम ये कीवर्ड रैंक होने में क्या आप तक कितना टाइम लग जाए, तो इसके लिए भी हम अलग कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहली कमांड का मेन मोटिव हमारा है था सजेशन के लिए कि हमें क्या कीवर्ड सजेशन मिल सकते हैं, ये हमारे कीवर्ड सजेशन में मिल गए हैं कि आप लीगल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो, लीगल केस के बारे में लिखो, अटॉर्नी के बारे में लिखो, ये सब सजेशन हमें मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट कमांड का यूज करना है, राइट कैन यू टेल मी हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड,
कैन यू टेल मी हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड टू दिस वेबसाइट। आपको लिखना है कि जो हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड है वो दिखाओ मेरे को। अब इसने देखो ये कितने अच्छे से कीवर्ड बना के दे दिए हैं। अब इसने साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि जो ये कीवर्ड मैंने बताए हैं ना, ये कीवर्ड जो है टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, एस सी एम रस, ए एच आर या ऊबर सजेस्ट। तो ये अगर आप ये सब कीवर्ड आप इन टूलों में चेक करोगे ना, मेनली कीवर्ड रिसर्च हम एस सी एम रस और ए एच आर ई एफ से ही करते हैं, तो इन कीवर्ड को अगर इसमें सर्च करोगे ना तब भी इनको हाई वॉल्यूम सर्च आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये इसने कीवर्ड बता दिए कि ये तो आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो गए, आप इस कीवर्ड पे लीगल टेक्नोलॉजी ब्लॉग लिखो और उस पर वर्क करो। उसके बाद इसने ये काफ़ी तरह कीवर्ड दिखा दिए, ये सब जो कीवर्ड दिखाए हैं सभी के सब ये हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड है। और इसने सबसे पहली लाइन में एक्सप्लेन भी कर दिया इसको कि जो कीवर्ड हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल रिलेटेड है और इन टूल की इन टूल में अगर आप चेक करोगे तब भी इनको हाई वॉल्यूम सर्चिस रखेंगे। ठीक है, अब ये हाई क्वालिटी कीवर्ड आप इनका यूज करके इस पर ब्लॉग लिख सकते हो या बैक लिंकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें एक काम और करना है। अब ये तो हमारे सजेशन हो गए कि हमने हाई वॉल्यूम सर्चिस मिल गए हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने हाई वॉल्यूम सर्चिस है, मतलब हमें कितने हाई वॉल्यूम सर्चिस शो है इसको, भाई 1000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है। ये तो हमने सिंपल लिखा है कि हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड दिखाओ, इसने हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड दिखा दिए हैं, पर ये तो नहीं पता कि कितने हाई वॉल्यूम सर्चिस है। जैसे कि ये कीवर्ड है लीगल टेक्नोलॉजी, इसका मेरे 50,000 वॉल्यूम सर्चिस है। ठीक है, और उसके बाद जो अगले वाला है लीगल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, इसका है 1 लाख वॉल्यूम सर्चिस। तो अगर हम क्या हम लीगल हम तो हम क्या करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सर्चिस, सबसे पहले उसी पर वर्क करेंगे। पहले हम लीगल सॉल्यूशन वाले पे करेंगे जिसका 1 लाख है, उसके बाद हम 50,000 वाले पे करेंगे। सिंपल सी बात होती है ना, जो सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम सर्चिस उन पर कीवर्ड लिखेंगे। पर हमें ये तो पता है कि इनका हाई वॉल्यूम सर्चिस है, पर हमें ये नहीं पता कि इन कीवर्ड का वॉल्यूम सर्चिस कितना है। ठीक है, तो वो सब भी हम जान सकते हैं इजी एक कमांड की हेल्प से। वो उसके बाद आप कमांड भरने, उसमें ये हर कीवर्ड का वॉल्यूम सर्चिस भी दिखा देगा। ठीक है, इसे मैंने आपको दो वे बता दिया। सबसे पहले बताया कीवर्ड आइडिया, देखो ये कीवर्ड आइडिया इसने दे दिए हैं। उसके बाद हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड इसे निकाल के दे दिए हैं हमें ये कीवर्ड वगैरह। उसके बाद हमें एक कमांड और यूज करनी है। अब जैसे कि हमने कोई हम किसी बाहर की कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, यूएसए वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूएसए में हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड चाहिए और हम ये भी चाहते हैं कि उसके वॉल्यूम सर्चिस हमें शो भी हों कितने वॉल्यूम सर्चिस है। तो हमने एक कमांड का यूज करना है, ये मैं सारी कमांड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वन बाय वन स्टेप बाय पूरा कर सकते हो, सिर्फ 10 मिनट लगनी है। ये आपको राम राम समझा रहा हूँ, इससे थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। इसे मैंने लिखा है कैन यू टेल मी हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड इन यूएसए टू दिस वेबसाइट, मतलब कि आप जो वॉल्यूम सर्चिस है यूएसए होने चाहिए वो उस इस वेबसाइट के लिए। तो हम यहाँ पे इस सर्च करेंगे। जैसे हमने सर्च किया तो देखो इसने क्या किया है, इसने कीवर्ड के साथ साथ हमें ये भी दिखा दिया है कि इसके मंथली सर्चिस 40,000 प्लस हैं, इसके इतने हैं 33,000 प्लस हैं, इसके 27,000 प्लस है। तो मतलब इसने हमें वॉल्यूम सर्चिस भी दिखा दिया है। तो हम बीजी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसका 40,000 प्लस है तो हम पहले इसको वर्क करेंगे, उसके बाद फिर 33,000 वाले पे करेंगे। ये सब इसने जितने भी कीवर्ड दिखाए हैं सबका इसने वॉल्यूम सर्च दिखा दिया, सबका ये एंड में दिखा दिया इसका 9,000 है, 6,000 प्लस है, ये सब चीज़ इसने बता दी है। ठीक है, ये सब चीज़ आप देख सकते हो, हाई वॉल्यूम जर्नल लीगल कीवर्ड ये सब इसने दिखा दिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सब कीवर्ड का वॉल्यूम सर्च इसने दिखा दिया है। अब उसके बाद हमने वॉल्यूम सर्च तो हमें पता लग गया कि इसके वॉल्यूम सर्च इतने हैं, पर हम चाहते हैं कि हमें लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड चाहिए, कि लो कॉम्पिटिशन भी पता होना चाहिए ना हमारा, कि इसने वॉल्यूम सर्च तो हमें दिखा दिया है कि इसके 40,000 है, 50,000 है, पर हमें यही पता होना चाहिए ना कि भाई इसके हमें लो कीवर्ड इसकी कॉम्पिटिशन कितना है इस कीवर्ड को रैंक करने में, मतलब सर्चिस तो ज़्यादा हैं पर कॉम्पिटिशन भी क्या ज़्यादा हो सकता है। तो हम उसके लिए भी एक कमांड का यूज करेंगे, वो सबसे लास्ट कमांड है, उसमें लिए हम इसमें सर्च करेंगे। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हमें करना है कैन यू टेल मी हाई वॉल्यूम सर्चिस एंड लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड इन यूएसए, मतलब सर्चिस तो हाई ही और कॉम्पिटिशन काफ़ी लो है इन यूएसए में। ठीक है, तो हम इसको एंटर करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद ये हमें वो कीवर्ड दिखाएगा जिसका वॉल्यूम सर्चिस ज़्यादा है और लो कॉम्पिटिशन कम है, और ये मैंसन भी करेगा कीवर्ड को। ठीक है, ये देखो ये जो अफोर्डेबल पर्सनल एंजोर ने लाया है, ये इसका लेस कंपटीशन है, ये सारा शो कर दिया है। इसका हाई वॉल्यूम सर्च है, मॉडरेशन इसका कंपटीशन है, ये सब चीज़ ने बता दिया कि इसका हाई वॉल्यूम सर्चिस है, इसका लोअर कंपटीशन है, ये सब चीज़ ने दिखा दी है। ठीक है, मैंने दो बार निकाल दिया, एक बार ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको।
जैसे ये हो गए कीवर्ड, इसमें बता दिया कि हाई वॉल्यूम सर्चिस है, लो कंपटीशन है, हाई वॉल्यूम सर्चिस लो कंपटीशन, मॉडरेटर वॉल्यूम लोअर कंपटीशन, इसने बता दिया कि हाई वॉल्यूम है लो कंपटीशन है। इसका मॉडरेटर का मतलब होता है कि मीडियम लेवल का है, ठीक है, लो नहीं है मीडियम लेवल का है, तो इसमें यह होता है लोअर कॉम्पिटिशन। तो इसने सब कीवर्ड दिखा दिए हैं जो कीवर्ड है कि इनका हाई वॉल्यूम है और लो कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं आपको सीधा यही कमांड आपको बता सकता था कि आप इस कमांड से सीधा कीवर्ड सेट कर सकते हो, पर मैंने आपको इसे नहीं बताया क्योंकि आपको हर कमांड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम चैट जीपीटी से कीवर्ड सेट करेंगे तो हमें इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वन बाय वन सभी कमांड आपको बताई है कि सबसे पहले कीवर्ड आइडिया फाइंड करो जब भी कोई नई वेबसाइट है, कि कौन से कीवर्ड आइडिया हमारे लिए, कौन से कीवर्ड हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके बाद उसको सर्च करो कि कौन से कीवर्ड आइडिया, वो हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड सर्च करो कि वो मेरे को वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड बताओ, हाई वॉल्यूम सर्चिस, तो वो आपको हाई वॉल्यूम सर्चिस कीवर्ड दिखा देगी। उसके बाद हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम सर्चिस तो ज्यादा हो और कॉम्पिटिशन लेस हो। वैसे तो आप डायरेक्ट ही ये लाइन यूज कर सकते हो लास्ट में, जो मैंने लास्ट कमांड बताई है ये वाली, कैन यू टेल मी हाई क्वालिटी वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम सर्चिस एंड लो कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आप इजीली ये यूज कर सकते हो स्टार्ट में अगर आप चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैंने आपको सभी कमांड बता दी है, आपको जो भी ठीक लगे आप उस मर्जी से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सीधा इस कमांड से आप वॉल्यूम सर्चिस ज्यादा मिल जाएंगे और लो कॉम्पिटिशन मिल जाएगा। पर मैंने आपको ये दिखाना था ना कि हम वॉल्यूम सर्चिस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये भी दिखा देता है कि इसे कितने वॉल्यूम सर्चिस है। अगर हम ये कमांड भरते तो इसमें वॉल्यूम सर्चिस नहीं दिखाता, मैं ये सिर्फ ये दिखाता हाई वॉल्यूम और लो कॉम्पिटिशन। तो मेरा जो पिछली कोडिंग मैंने यूज किया उसका मेन मोटिव यही था कि जैसे कि इसे वॉल्यूम सर्चिस में आपको दिखाऊं कि मंथली सर्चिस कितने हैं, ठीक है। तो आप इजीली इस तरीके से हर कमांड को यूज करके इजीली यहाँ से कीवर्ड सर्च कर सकते हो। चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा टूल है, इसकी हेल्प से हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं जो चैट जीपीटी से हम नहीं कर सकते हो। कुछ मर्जी लगा लो, डेवलपिंग, एसईओ, कुछ भी मर्जी लगा लो, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी आइडिया ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग गया हो कि हमें चैट जीपीटी से कीवर्ड सर्च किस तरीके से करना है। आपको मैंने स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से समझाया, हर चीज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, ठीक है। तो मैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग कीवर्ड सर्च सीख सके चैट जीपीटी से। और हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम जरूर फॉलो करो, वहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं चैट जीपीटी से और हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट।